हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, 11 बज चुके हैं। तो हम खाना वाना तो हमने आज जल्दी घर खा लिया था। तो सहज के पापा ने आज, क्योंकि लुधियाने में ऑटो चलाना शुरू करना था, तो इसलिए पहले भी वो वहीं पे ऑटो चलाते थे, तो अभी उन्होंने बंद कर दिया था वहाँ जाना, लुधियाना। 1 साल 9-10 महीने हो गए थे उन्होंने बंद कर रखा था जाना। तो उन्होंने सोचा था चलो कॉलेज के लिए लड़कियों को लगा लिया है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही ठीक है, बस दुकान है काफ़ी है। तो गाइज, ऐसी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा है, मैंने तो मना किया था इनको कि रहने दो आप इतना चलाने को, तो ये बोल रहे थे नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे करा करूँगा, जब लड़कियों को छोड़ने जाया करूँगा तो उसी टाइम में ये यहाँ से जाते हैं। सो गाइस, ये 8:30 बजे के करीब यहाँ से जाते हैं घर से। तो वहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए इनको आधा घंटा लगता है, उसके आगे भी इनको 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने के लिए लुधियाना में। तो इन्होंने बोला चलो मैं चला जाया करूँगा, तो मैं 3-3.5 बजे तक, तो वो स्टूडेंट है जो, तो वो बोल रहे थे कि हम 3 बजे तक हम फ्री हो जाया करेंगे, या जितने बजे भी वो फ्री होते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं वहाँ उनके कॉलेज 3, 3:30 या 4 बजे तक पहुँच जाया करूँगा, तो 5 बजे तक मैं घर आ जाया करूँगा। तो मैंने तो बोला था चलो आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो हमें तो क्या ही है ना। तो अब मैं सुबह, इन्होंने दुकान खोल दी थी तो सफाई भी इन्होंने कर दी थी दुकान में। तो भाई से फिर है ना, मैंने सोचा चलो खाना वाना जल्दी खा लेते हैं, खा लिया था हमने, सहज को भी खिला दिया था, सहज अब अंदर है तो उसकी भी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है गाइस, वो भी अब स्कूल जाया करेंगे करेगा, तो मैं फिर घर में अकेली रह जाया करूँगी दुकान में। सो गाइस, बीच बीच में मुझे रुकना पड़ जाता है। तो अभी सहज बोलने लगा था कि मुझे मम्मा कुछ खाने को दे दो, तो मैं उसे दूध दे के आई, तो मैंने बोला चलो इसके साथ बिस्किट खा लो। तो जब मैं अपने पहले, फिर मैं बर्तन भी धोने लगी, मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो ही लेती हूँ, पड़े रहेंगे। तो फिर कस्टमर आ जाता है दुकान में, कोई ना कोई, फिर वो हैंडल करना पड़ता है। तो फिर मेरे को प्यास लगी, मैं पानी पीने लगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो गाइज, मैंने सोचा ये जो ऐसे स्विचेस वगैरह है, ऐसे स्विच हमारे यहाँ बिक जाते हैं, इसलिए हमने ये होल्डर वगैरह है ऐसे, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, ये पंखे के डालने का होता है, ऐसी चीज़ें है ना जो, ये देखिए बिखरी पड़ी है। तो मैंने सोचा चलो इसे इस डिब्बे में डाल के रख देती हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट ऐसे करूँगी। सो गाइज, ये सहर समोसे लेकर के आया है। अभी लंच मैंने, वैसे तो सब्जी पड़ी थी, मेरा मन नहीं किया कुछ बनाने का, तो सहज बोला था मुझे नहीं मम्मा रोटी खानी, तो मैंने बोला चलो समोसे ले आओ, 2 समोसे ले आओ, हम एक एक खा लेंगे। तो गाइस आइए हमारे साथ समोसा समोसा शेयर करते हैं, समोसा खाइए। तो हम खा रहे हैं समोसा। सो गाइस, मुझे तो दुकान में ही लेके जाना पड़ेगा समोसा भी, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है। गाइज, मुझे लग गई थी भूख काम करते करते, तो अभी काफ़ी सारा तो पड़ा है, तो मैंने सोचा चलो पेट पूजा भी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो मैं
सो गाइस, किन किन को हाथ से समोसा खाना अच्छा लगता है? मुझे हाथ से खाना पसंद है, मुझे स्पून से खाना, चम्मच से खाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं चावल भी हाथ से खाती हूँ। सो गाइस, क्या हुआ, मैं समोसा खा रही थी, एक आंटी आए, बोले जो रील होती है ना कपड़े सिलने वाली, धागा होता है, तो बोलने लगे ये वाला कलर चाहिए। तो मैंने बोला आंटी ये वाला कलर नहीं है, मतलब देख लो, क्योंकि मैं देखती हूँ, डेली देखती हूँ, है ना, कस्टमर्स को रील निकाल निकाल के देख के देख देनी पड़ती है, तो हटे ही नहीं आंटी। तो मुझे ना उनकी तसल्ली के लिए 7-8 डब्बे थे, सारे खोलने पड़े, मेरा समोसा ऐसे पड़ा। तो मुझे, मैं उनको समझा रही थी आंटी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो मानी नहीं। तो मैंने फिर डिब्बे निकाले, उनकी तसल्ली करवाई, तो बोले अच्छा नहीं थी। मैंने बोला आंटी मैंने पहले ही बोला था आंटी आपको कि ये वाला कलर नहीं मिलेगा आपको। तो मुझे फिर से हाथ धोने जाने पड़ता है ऐसे, जब मैं किसी चीज़ को ऐसे टच करती हूँ ना, क्योंकि डस्टिंग पड़ी होती है कई सामान पे जो कभी कभी उतरता है, तो मुझे हाथ धो के आने पड़ते हैं। तो मेरा समोसा भी वहीं का वही है, कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है। सहज, ये मेरा टिंडू सा बेटा आ गया मेरे पास गाइज, तो मेरे को बोलने लगा मम्मा मुझे बॉटल कट करनी है। मैंने बोला आप नहीं कटर चलाओगे, आप छोटे बच्चे हो। मैंने बोला किस लिए चाहिए, बोल रहा था मेरा साइकिल ठीक हो गया, उसके टायर में ना ऐसे इसको फंसाना है, तो जैसे बुलेट की आवाज़ आती है ना फट 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 फट, ऐसे बोल रहा था ऐसी आवाज़ लानी है मुझे, तो मैं ऐसे गाइस कट कर रही थी। सो गाइज, ये जो रबड़े हैं ना हमने दुकान में बेचने के लिए रखी हुई है ना, तो इनको मैं, ये ना जुड़ सी गई है, ऑयली ऑयली सी हो गई है ये, तो अगर आपके घर में भी ऐसे थोड़ी बहुत रबड़े रखी हो ना, तो उनको आप पाउडर से डस्ट कर लीजिए, तो इसको एक डिब्बे में डाल लेंगे ऐसे, तो ये ख़राब नहीं होंगे, अब नहीं चिपकेंगे ये। तो गाइज, ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है। तो गाइज, मैंने क्लीनिंग कर दी है यहाँ की, जिस एरिया को मैंने चुना था कि यहाँ से सफाई करनी है, बहुत दिनों से सोच रही थी, तो गाइज मैंने सफाई कर दिया है, दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है ये वाला एरिया, कितनी सारी डस्ट पड़ी हुई थी यहाँ पे। सो गाइज देखिए, सो गाइज मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं अभी, तो आज वो जल्दी आ गए, कल बोल रहे थे मंडे से मैं 5 बजे आया करूँगा, तो बोलने लगे चाय बना लो फिर मैं दुकान में बैठता हूँ आपको छोड़ देता हूँ, तो वो मुझे दुकान से थोड़ी देर छोड़ेंगे, वो अंदर कर रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट, तो मैंने ये चाय बनाने को रखी हुई है, तो वो मेरा चुटकू गाइज, जो सहज ने मेरे से बॉटल कटवाई थी ना, उसका नतीजा देखो क्या निकला। गाइज ये आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो। नहीं बच्चे, हाँ बच्चे, सॉरी बच्चे नहीं कर सकते, ये अपने पेरेंट्स से कटवा लेना, आप ओनली इसको चिपका सकते हो, ये देखो इससे आवाज बहुत अच्छी आती है। तो गाइज ये मेरी चाय उबलने लगी थी, तो सहज फैला रहा है नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन फैला रहा है ये छोरा, मेरा छोरा। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें खेलने का, ऐसे ऐसे काम करने का शौक होता है, हमें भी था, हम भी करते थे, तो मेरे से बोलने लगा पापा, पापा डांटेंगे मुझे। मैंने बोला नहीं डांटेंगे, तो कह रहा था नहीं पापा डांटेंगे, मैंने कहा नहीं डांटेंगे, तो जब वो उन्होंने देखा तो वो हंस पड़े। सो गाइस, अब हम पियेंगे चाय, मैं भी थोड़ी देर देखती हूँ, रेस्ट करूँगी,
तो उसके बाद शाम का हो जाएगा। सो गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं तो मैं फिर से दुकान में आ गई हूँ। सहज के पापा ने रेस्ट की थोड़ी देर उन्होंने फिर मुझे छोड़ा, मैंने भी रेस्ट की थोड़ी देर। तो अभी हमने पानी वानी भी भरा, तो जैसे हमारी क्यारी है उसको भी पानी लगाया। तो अभी फ्री हुई थी तो ये कहने लगे मैं थोड़ा सा सामान ले आता हूँ दुकान का, तो मैंने बोला हाँ ले आओ, कल संडे है, दुकानें बंद होंगी। तो कई दुकानें पता नहीं बंद होती हैं, जो लास्ट संडे होता है शायद, हाँ बोल रहे थे, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आप सामान ले आओ। तो गाइस देखते हैं अभी शाम को क्या बनाना है, आज मेरा मूड है चावल बना लेंगे। तो सब्जी वगैरह तो वैसे मैंने भिंडी भी तोड़ के रखी हुई है, भिंडी खाने का मन नहीं कर रहा, तो सोचे चलो चावल बना लेंगे। सहज आ जाए पहले, उससे पूछूंगी कि क्या खाना है शाम को खाने में, तो अगर उसने बोला हाँ खा लेंगे चावल, क्योंकि वो चावल कम खाता है, तो अगर उसने कहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चावल बनाएंगे, तो सहज बोलने लगा चलो हाँ मम्मा कोई बात नहीं चावल बना लो खा लूँगा। तो गाइज एक बहुत मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैंने क्या किया, मुँह उबालने को रख गई तो फ्लेम भी ज़्यादा था, फुल था छोड़ा हुआ मैंने, तो मैं उधर से अचानक से दुकान में आवाज़ आई, क्योंकि ये तो घर पे नहीं थे, सामान लेने गए हुए थे, तो उधर किसी कस्टमर की आवाज़ आई तो मैं उधर चली गई। तो मैं वहीं पे बैठ गई, आते रहे ग्राहक कस्टमर आते रहे, तो मैं वहीं पे बैठ गई और फिर बस ऐसे ही फ़ोन देखती रही। उसके बाद क्या हुआ, सारे का सारा दूध मेरा जल गया, मेरी पतीली भी जल गई। सो गाइज अभी हम करेंगे डिनर। सो गाइज आज हमारा डिनर लेट हो गया है, तो ये सहज को पापा हमारे साथ गुस्सा हो गया क्योंकि ये वीडियो में नहीं आना चाहते। तो गाइज हमारा ये डिनर, आज हम राइस खा रहे हैं, चावल बनाए हैं, ये मैंगो पड़े हैं और दही है। तो आज का व्लॉग, सो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।